भाई लास्ट टाइम मैं मल्लापल्ली का स्ट्रीट फूड दिखाया तो आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर क्या कि जिन चढ़ गया था भाई, तुम सब दिखा शौरमा नहीं दिखा। अरे भाई शौरमा पूरों को मालूम है, नाम मल्लापल्ली का चेंज करके शौरमा पल्ली रखने वाले है। चलो मल्लापल्ली। अरे मल्लापल्ली में चेंज अवत, चलो शौरमे खाने। मैं खुर्शीद, वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज मैं आपको मल्लापल्ली में, आखिर आज हो जाना फैसला कि मल्लापल्ली का सबसे बेस्ट शौरमा कौन सा है, सबसे टेस्टीएस्ट में बोल रहा हूँ मैं। टेक्सचर्स अलग रहते, फ्लेवर्स अलग रहते, थोड़ों का बड़ा रहता, थोड़ों का सस्ता रहता, थोड़ों के पास रोटी अलग रहती, वो सब आज कवर करने वाले है ये वीडियो में। चलिए अपन अपनी खींच मल्लापल्ली के शौरमों की शुरू करते है। शुरुआत अपन करेंगे बेशक सबसे फेमस, सबसे ज्यादा बड़ी शीख, जो आखिरी बड़ी शीख लगाते हुए इन बड़े की भी और चिकन की भी लाजवाब शौरमा देते। बात कर रहा हूँ मैं अल अरेबिया शौरमा की। आहा, किसी भी जगह को जज करना है तो क्या करते अपन, पहले वहाँ पे पब्लिक देखते कितना खा रही, क्या क्या खा रही। तो चलिए देखेंगे कैसा है यहाँ का टेस्ट। पहले तो इनकी जो बन है समोली, वो सबसे क्लीन, सबसे साफ, सबसे मुलायम नरम रहती, वो मेरे को बहुत पसंद। साथ ही साथ इनके पास पहला जो मल्लापल्ली का शौरमा है, हरी मिर्ची का मसाला यूज करके चिकन का शौरमा जो बना है यहाँ पे बना, फिर बाद में दूसरे जने कॉपी करे होंगे, लेकिन ऑल इन ऑल ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद मेरे को, इसलिए बिस्मिल्लाह बोल के निवाला खा लिया। फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स बहुत ज़बरदस्त है। फ्लेवर्स तो मैं आपको बोला हरी मिर्ची के है। साथ ही साथ इनके पास जो साइड में आप अगर मायोनीज पूछे तो उन्होंने क्या करते हैं, एक प्लेट में डाल के देते, तो आप वो मायोनीज उठा के अपने हिसाब से लगा ले सकते, सॉस लगा ले सकते, आपके हिसाब से खा ले सकते। नेक्स्ट स्पॉट अपना जो है मिलन जूस सेंटर। मल्लापल्ली के मिलन जूस सेंटर पे क्या है मालूम, सबसे बेहतरीन सीटिंग है। अगर शौरमा खाने के लिए आप निकल रहे हो और आपको क्या है सीटिंग, टेस्ट क्वालिटी तो अच्छी रहती ही रहती, लेकिन सीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो होने का है आपको, अच्छा आराम से बैठ के एम्बियंस के साथ अगर खाना चाह रहे आप बैठ के, तो फिर ये जगह मिलन जूस सेंटर। उन्होंने शौरमा भी बेहतरीन देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे रुमाली का मेरे को नहीं पसंद है जनरली रुमाली का शौरमा, लेकिन यहाँ का रुमाली का शौरमा चिकन में सबसे ज़्यादा सेलिंग है और सबसे ज़्यादा पसंद आता है लोगों। एक ड्रॉबैक दिखता है मेरे को कि भाई यहाँ पे थम्सअप नहीं देते उन्होंने, क्योंकि उन्होंने चाहते कि अपना जूस भी बिकना, इसीलिए क्या है अपन इनका सबसे ज़बरदस्त मैंगो मिल्क शेक वो भी मंगा लिए। ये रुमाली रोटी का शौरमा अपन क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह बोल के एक निवाला ले लेंगे। निवाला खाने के बाद अपने को पहली चीज़ क्या है मालूम, चिकन की फीलिंग आती, ग्रिल चिकन है वो आखिरी अच्छी माउथफुल बोलते नहीं कि भाई क्वांटिटी चिकन की मेरे को देख के डबल दारे नहीं डाले होने वाले, लेकिन मेरे को तो आखिरी ज़बरदस्त आई मुंह में। टू गुड है रुमाली शौरमा, ये हो गया। जैसा मैं आपको बोला थम्सअप यहाँ पे नहीं मिलता, इसीलिए अपन ये मैंगो मिल्क शेक मंगा लिए। ये और शहदूद मलाई, ये दो चीज़ें मैं बहुत पीता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता बोला ना मैं, लेकिन नेक्स्ट जगह पे शौरमे के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री है, चलिए वो फ्री कोल्ड ड्रिंक पीएंगे। भाई अपना ये जो नेक्स्ट स्पॉट है मेरे को तो बहुत पसंद है, कहीं को बोले तो ये अकेला वाहिद एक ऐसा शौरमा का स्पॉट है पूरे मल्लापल्ली में जो शौरमे के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री देता। अपन लोग आए अल हरमैन शौरमा पे। यहाँ पे एक और खासियत है कि लेडीज सेक्शन भी अलग से सुकून से बैठ के अपने लेडीज को है भाई सेपरेट। चलो खा के देखेंगे अपन कैसा है। यही बोल रहा था देखिए 90 रुपीज में बेहतरीन, यहाँ पे चिकन भी मिलता है, यहाँ पे बड़े का भी मिलता है। अपन क्या करें 1/2 ले लिए, लोग खाली क्या समझते खुर्शीद पूरा खा लेता, नहीं खाता भाई एक निवाला खा के क्या है पार्सल करा लेता। ये कोल्ड ड्रिंक, ये जबरदस्त चिकन शौरमा विद समोली, इसमें ला इनका शौरमा क्या है जरा मसालेदार एकदम ग्रेवी टाइप, साथ ही साथ ये जो मैं मायोनीज डाला और केचप तीनों का मिक्सचर मिला के ठीक मार चढ़ी बट ये चीज जबरदस्त भाई। ये वाला स्पॉट कैसा है बोले तो मल्लापल्ली में जो बड़ी मस्जिद है उसका फर्स्ट शौरमा, फर्स्ट इन मल्लापल्ली ये है अब्दुल्ला अरेबियन शौरमा। यहाँ का टेक्सचर फ्लेवर वो ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी सर्विस बहुत अच्छी दिखती मेरे को। यही बोले तो उन्होंने हाल ये बात क्या है ज़रा टिश्यूज़ ला के देते और भी चीज़ा करते। मेरे जितने भी खास लोग हैं और मैं खुद बड़े का अगर शौरमा कहीं खाए बोले तो यहाँ पे खाए और ज़बरदस्त खाए। अपन क्या करें खुबूस ले लिए, खुबूस कहीं को बोले तो देखो मेरे को खाने की समोली में आदत है, समोली में कहीं को खाता हूँ मैं बोले तो ज़रा खाए तो पेट को ज़रा लगता फुल दिखता, लेकिन हिरस के आदमी है तो हर चीज़ हर टेक्सचर हर टेस्ट हर फ्लेवर ट्राई करने की ज़रूरत रहती है अपने को, इसीलिए अपन क्या करें ये खुबूस में ले लिए। चलो भाई बिस्मिल्लाह बोल के अपन ये निवाला लिए। देखो इंडियन शौरमा क्या रहता मालूम, एक रोटी रहती उसके अंदर एक फिलिंग रहती, खीरा डाल दिए, मायोनीज सॉसेस डाल दिए और आपको सर्व कर दिए। मेरे से अगर पूछे आप तो तकरीबन जगह क्या है मालूम, शौरमों का फ्लेवर तकरीबन सेम रहता, लेकिन इट्स अबाउट टेक्सचर एंड क्वालिटी।
कौन सी चीज को कितना सर्व करते हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ सर्व करते हैं। और मेरे को वन ऑफ द बेस्ट अगर बढ़ेगा शौरमा मल्लापल्ली में मिलता बोले तो ये वाली जगह पे मिलता। देखो भाई, किसी का छोटा रहता किसी का बड़ा रहता दिल, वैसे क्या है शौरमे भी क्या है, आपको छोटे भी मिलते बड़े भी मिलते। मिनी शौरमा खाने अगर अपन आना है तो अल रियान शौरमा पे आ जाना। आप कहाँ है एग्जैक्टली वो पूछे तो मेरे को क्या है मालूम, सलाम करके भिजाए तुम घर को, क्योंकि पूरे मल्लापल्ली के अतराफ ही कर रहे हैं अपन, बड़ी मस्जिद के अतराफ। आपको गूगल पे देख लो आप, या तो फिर पूछ लो अतराफ में आके कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। एनी हाउ ये खा के अपन देखेंगे, 40 रुपीज में बेहतरीन चिकन शौरमा है, मिनी है, बिस्मिल्लाह बोल के। बेहतरीन भैया, मैं क्या है समोली में खाना पसंद करता हूँ, ना रुमाली पसंद आती मेरे को, ना खुबूस पसंद आता, खुबूस आती कभी तभी, लेकिन रुमाली तो मेरे को क्या है मालूम चिकन और रोटी दिखती। कभी कभी जेब में क्या है मालूम जरा पैसे नहीं रहते, एन वक्त पे जब बोलते नहीं सैलरी क्रेडिट होने से पहले अपने पास क्या है 100-200 रुपीज रहते, तो उसमें क्या है बजट फ्रेंडली जब देखते ना अपन तो ऐसे चीज़ा खाते। 40 रुपीज में आपको मिनी शौरमा किधर, अल रियान शौरमा पे। चेहरे पे दिख रहा इतना पसीना है इसलिए बोलते डेढ़ उशारियां करके ऐसे जागीड़ा नहीं पहन लेना। जागीड़ों के अलावा भी मैं शौरमा पैलेस में बैठे हुआ हूँ, जो कि अगेन नामपल्ली चौरस्ता के अतराफ, चौरस्ता भी नहीं बोलते लेकिन जो भी बोलते शौरमा पैलेस, यहाँ का शौरमा मैं बहुत खाते रहता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है। क्यों? क्योंकि एक तो यूनिक भी है और साथ ही साथ टेस्टी भी। यूनिक क्या है इसमें बोले तो इसके ये शौरमा पैलेस के एकदम बाजू एक तंदूर की कौन सी तो भी वो दिल्ली की बिहारी होटल है, वो वाली होटल के पास यू नो फ्रेश तंदूरी रोटी वहाँ से उठाते गरम गरम, वो उठा के यहाँ का शौरमा बनाते, ज़बरदस्त चिकन मायनी सॉसेस डाल के लपेट के गरम गरम तंदूरी रोटी में बना के देते, आखिरी ज़बरदस्त रहता। वो खिलाने लाया मैं आपको, बिस्मिल्लाह बोल के अपन निवाला लेंगे। यहाँ पे चिकन भी मिलता है, यहाँ पे बड़ेगा भी मिलता मालूम है ना, खुर्शीद भाई बिना मायनीज के खाते वो ज़रा क्या है कभी तो भी फ्लेवर ज़्यादा रहने के, और पूरा ज़िंदगी में खाली मायनीज नहीं खाता हूँ। लोहे आँटते रहे भाई मायनीज तेल रहता दिल को ये वो फलाना ढिमकाना, अरे भाई वो चीज़ा खाते अपन बहुत एक्सरसाइज भी करते लिए। बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करें, पूरी दुनिया को मालूम हैदराबादी शौरमा क्या है, खीरा रहता बन रहता चिकन रहता जो भी फलाना ढिमकाना, लेकिन यहाँ पे रुमाली और समोली दोनों को हटके खुबूस मिलती, खुबूस को भी छोड़ दो आप, गरम गरम तंदूरी रोटी के अंदर ये फीलिंग आहा लाजवाब, बहुत मजे का था। ये हो गया नेक्स्ट फाइनल जगह, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो एक्चुअल ओजी बोलते हैं ना ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ शौरमा मल्लापल्ली नामपल्ली का वो है, वो देखेंगे अपन। चलिए ये वाला जो स्पॉट है एक्चुअली पूरे मल्लापल्ली नामपल्ली, अब ये नामपल्ली बोलते भाई लेकिन मल्लापल्ली नामपल्ली के अतराफ पहला शौरमा जो एक्चुअली शुरू करे इनोस्टे फील इन सऊदिया बोल के। अब नाम तो है भाई वो सऊदिया लेकिन सऊदिया के वैसा है नहीं है वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे पब्लिक जो आती खाने और जिस शिद्दत से खाती वो देख के ही समझ जाओ आप। इन्होंने यहाँ पे बैरिकेड डाल के रखे हुए पहले सामने, अब बैरिकेड का मकसद क्या है बोले तो पब्लिक उड़ी पड़ के नहीं पड़ना सामने गिराना नहीं हो बोल के इसलिए डाले हुए। चलो अपन खा के देखेंगे कैसा है मसला, यहाँ ले लिए भाई अपन। देखो यहाँ पे कैसा एक चीज़ मैं जो नोटिस करा बोल देता हूँ आपको, इनो जितना बड़े का गोश्त डाल रहे शौरमे में वो मेरे को दिखा जरा डबल है कम्पेयर टू दूसरे, 100 रुपये में है लेकिन पब्लिक देख के समझ जाओ आपकी भाई कुछ बात है इसमें, इसीलिए इतनी उड़ी पड़ के बैठी हुई है पब्लिक ये खाने। चलिए भाई लेके अपन इसको बिस्मिल्लाह बोल के फिर शुरू करिए। मेरे बाइट में मेरे को क्या है मालूम, जब मैं बाइट करा समोली को तो उसके अंदर मेरे को खीमा आया। नॉर्मली आपको शौरमा क्या है अलग है, आई नो जो बाहर के पूरे जो सऊदी के से बॉर्न जो लोग आ रहते नहीं ना पूरा रोते रहते अरे हैदराबाद में क्या है बुचर्ड खीमे वाला शौरमा मिलता है, ऑथेंटिक शौरमा अलग रहता होता होगा भाई, लेकिन टेस्ट अपने हैदराबादी दायके को जो लगता है उसके हिसाब से बनता है यहाँ पे, और ये अपने हैदराबादी दायके के लिए भाई। ये था देखिए अपना वीडियो मल्लापल्ली में पूरे शौरमे। अब शौरमे देखो भाई इतने हैं मल्लापल्ली में, इसीलिए मैं क्या है मेरे खास जो भी है वो दिखा दिया मैं आप लोगों को, कौन सा बेटर है कौन सा वर्स है वो मेरा काम है नहीं, मैं टॉप वाले बॉटम वाले कुछ भी अपन लिस्टिंग देते नहीं, आप देख लिए पूरों के क्वालिटीज़ क्या बेटर है क्या चीज़ के लिए क्या चीज़ फेमस है वो बता दिया, अब आप जज करके कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा शौरमा बेस्ट था। और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाइयों। टाटा बाय बाय बोलने से पहले मल्लापल्ली की एक और खासियत है जो कि शॉपिंग है, और अपने पास जबरदस्त क्या क्या मिलता भाई, जानी माज मिलती टोपी टोपी नजर और क्या क्या किया मम्मी को गुंडू करा लिया हमें बीच में से ऊपर से तालू पूरी साफ हो जा रही है, एक अच्छी टोपी ले लेंगे मैं भी, मेरे को कौन सी अच्छी दिखती भाई जरा बताओ ना मेरे को, ये अच्छी दिख रही देगी हाँ पॉश दिख रही मेरे को, ये ले लेंगे निकल जाता हूँ। चलिए भाई अस्सलाम वालेकुम, धनराज भाई सबसे बेस्ट शौरमा कहाँ का है बोलो, मल्लापल्ली हैदराबादी बड़ी मस्जिद का फेमस है शौरमा। अरे यहाँ पे बड़ी मस्जिद को 5 शौरमे लग गए जी, नाम बोलो पहले
नाम तो नहीं मालूम, नाम मैं बोलता हूँ आला रेबिया शर्मा के सामने। ये भाई को भी बोलते है अरे 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 आला रमेश शर्मा बोलते। शर्मा कैसा है मालूम ना, चिकन अगर दिखते नहीं मटन को आओ खाके देखो, बड़ी मस्जिद पे नाम है एमसी स्टैंड। एमसी स्टैंड आईडी का नाम 09। क्या बात है एमसी स्टैंड, मैं भी एमसी स्टैंड का बना। क्या बोलती पब्लिक, सुने तो तपली। चलिए भाई बहुत बहुत अच्छा दिखा आपने, हिंदी मातृभाषा हिंदी पी डाउन मातृभाषा हिंदी। अरे क्या बात है, अरे अरे ये नहीं कर सकते अपन।